बुद्धि होने पर परिश्रम करता है आदमी, पर उसे अच्छा मालूम होता है। हम उपनिषद में आया है, बृहदारण्यक में है, कि यदि मनुष्य बीमारी को तप मान ले, बीमारी में मनुष्य यदि तप की भावना कर ले तो उसका तप, उसको तप का फल मिलता है और बीमारी का कष्ट मिट जाता है। तो बात क्या है, वही अनुकूल प्रतिकूल वृत्ति वाली बात है। बीमारी है, बड़ा कष्ट है, शरीर में तो कष्ट है ही, मन में बड़ा कष्ट है, हम बीमार हैं। और तपस्वी आदमी जब जेठ के महीने में चारों तरफ आग जला करके धूप में बैठता है तो शरीर को तो कष्ट होता ही है, पर चूंकि उसकी में तप बुद्धि है, तप बुद्धि होने से उस काम को उत्साह पूर्वक, आनंद पूर्वक, उल्लास पूर्वक करता है, करने में उकताता नहीं, बुरा मालूम होता नहीं, थकता नहीं मन, और तप बुद्धि रहने से तप संपन्न हो गया, आनंद मिलता है, फिर तप का फल मिलता है। इसी प्रकार उन्होंने कहा कि बीमारी में अगर तप बुद्धि कर ले तो मैं तप कर रहा हूं, तो जैसे तपस्वी आदमी को तप करने वाले को तप के कष्ट में आनंद होता है, उसी प्रकार उसको आनंद होता है उस बीमारी के कष्ट में। फिर उसी वहीं कहा कि अगर मृत्यु को मुक्ति मान ले तो मनुष्य मुक्त हो जाएगा, उपनिषद में आता है, मरता तो है ही, तो उसमें अगर मुक्ति की भावना है तो मन जाके भगवान में लग गया, मरने के बाद मुक्ति हो गई। तो जहां जहां पर मनुष्य की अनुकूलता है और मुख्य भावना है, आवश्यकता है, वहां चित्त उबता नहीं, थकता नहीं, बल्कि न होने पर दुख होता है। ये साधन हमारा कैसा होता है और ठीक होता है कि नहीं, इसकी कसौटी है दो, ये जिसके होने में कभी थकावट न मालूम हो और उत्तरोत्तर आनंद बढ़ता रहे, और जिसके न बनने पर चित्त में दुख हो, वो साधन ठीक है। हम धन चाहते हैं, हम अमुक कार्य में सफलता चाहते हैं, हम रेलगाड़ी पर ठीक टाइम पर जाके बैठ जाना चाहते हैं, जिसका जो मनोरथ होता है उसकी पूर्ति न होने में दुख होता है। अगर दुख नहीं होता तो समझना चाहिए कि उसका जो मनोरथ था वही मिथ्या था, मनोरथ था नहीं था तो बहुत गौण था। जो चाहता है आदमी वो अगर नहीं हो पाता दुख होता है। तो हमको अगर साधन न होने पर, भजन न होने पर चित्त में दुख होता हो तो समझना चाहिए कि हम भजन चाहते। भगवान की प्राप्ति न होने पर चित्त में परम व्याकुलता होती हो तो समझना चाहिए कि हम भगवान को चाहते, और उनके न मिलने पर अगर दुख न होता हो, आनंद में कटती हो, तो समझना चाहिए कि हम नहीं चाहते हैं। काम ही नार प्यार जिमि, लोभी ही प्रिय जिमिदाम, तिमित गुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। इसका यही तो रहस्य है, जो वस्तु जिसको अत्यंत प्रिय है उसको वो कभी नहीं छोड़ना चाहता, उसका मन सबको भूल कर उस एक में जाकर लग जाता है, और उस वस्तु के बिछोड़ने पर, न मिलने पर और मिलने की आशा टूट जाने पर बहुत दुख होता है। तब तो भगवान का जो भक्त है उसका स्वरूप बताते हुए नारद जी कहते हैं, तदर्पिता अखिलाचार्यता तद विस्मरणे परम व्याकुलता। भाई अपना अखिल आचार जो कुछ भी उसके जीवन में होता है वो सब उसने भगवान के चरणों में सौंप दिया, अखिल आचार अर्पित कर दिए, उसके पास रहा केवल भगवान का स्मरण, पवित्र निर्मल अनन्य स्मरण, तद विस्मरणे परम व्याकुलता। जहां कहीं भी स्मरण छूटा क्षण भर के लिए वहीं परम व्याकुलता हो गई, चित्त बिल्कुल बेचैन हो गया, छटपटाने लगा, तो समझना चाहिए कि ये भजन चाहता है। किसी का इकलौता पुत्र मरने लगा हो तो कितनी उसको व्याकुलता होती है। कोई मनुष्य अगर डूबने लगे पानी में और न निकल सके, कितनी व्याकुलता होती है।
इसी प्रकार से भगवान की विस्मृति होने पर, भगवान का स्मरण छूटने पर जिसे परम व्याकुलता होती है, समझना चाहिए कि वो भगवान का भजन करता है, वो भजन करना चाहता है, भजन में उसकी रति है, भजन में उसकी रुचि है और भजन उसका मुख्य कार्य है। तो ये मुख्य और गौण का भेद ये है। तीसरा होता है उपेक्षा का कार्य, ऐसा कि भाई दो आदमी में बैठे हैं, बात कर रहे हैं, बोले कीर्तन करो, तो न मन उसमें है, न उसमें आनंद है, न उसमें कोई लाभ की आशा है। दो एक बार कुतूहल से उनके साथ भी हमने राम राम बोल दिया उपेक्षा से, फिर हंसने भी लगे अपनी भूल पर, क्यों बोले, कहीं शर्माने भी लगे कि फिर किसी ने देख तो नहीं लिया हमने राम राम कहा, ऐसा भी होता है शर्माते। तो ये बिल्कुल उपेक्षा की चीज है। तो यद्यपि भगवान का नाम उपेक्षा से लेना भी अच्छा है, लेकिन ये साधना नहीं है। तो उपेक्षा का भाव न हो, गौण भाव न हो, मुख्य भाव से हम भगवान का चिंतन करें, भजन में लगें, तो हम मृत्यु के लिए तैयार हो जाएंगे। हमारा मन जिस काम में मुख्य भाव से लगता है, वो उसकी उसके स्वभाव में चीज आ जाती है, उसका स्वरूप बन जाता है वो। तो फिर जहां इनमें हमारी ममता आ सकती रही नहीं, मौत की तैयारी है। तो जो बंधा है ना, उससे ममता आसक्ति से बंधा है और हिसाब किताब ठीक रखता नहीं। पहले जमाने की बात है, ये मालिक लोग रहा करते थे अपने घर पर और उनके कारोबार चलते थे बहुत जगह। तो मुनीमों को भेजा करते थे वो, मैनेजरों को नियुक्त करके। तो एक सेठ थे, उसने दो जगह आदमी भेजे। एक जगह जो आदमी गया, उसने तो जाते ही समझा कि अब अपना पहले का काम काज लेना है तो समझ लें और आइंदे ठीक से काम करें। उसने तो समझ लिया सारा हिसाब किताब और समझ करके किसमें क्या देना, किसका क्या प्राप्त, किसका किसमें पावना, जिसमें पावना उससे उगाने की चेष्टा करने लगा, जिसका देना उसको देने लगा। कारोबार बड़ी सावधानी से करे, सारे अकाउंट्स को ठीक रखे, एक पैसा कहीं पर डूबने पावे नहीं, अपने में किसी का रहे नहीं, रोज अपना बैलेंस शीट बराबर देख ले ठीक रहे, और कहीं जब गफलत नहीं तो लोग खा न सकें, उड़ा न सकें, काम जब आंख शांत ठीक रहे तो आंख में भी उसमें भी हिसाब में कोई गड़बड़ न हो सके। बड़ा सावधान हमेशा अपना मालिक को तलपट भेज दिया करे, ये लो हमारा हिसाब ये है, हम यहाँ पर आपका काम कर रहे हैं और उनकी उन्नति मालिक की हो, जब सच सारा लेन देन ठीक हो तो ये तो अपना यूं करे। और दूसरा जो था, सोचा कि अब तुम मालिक होकर के आई गए, अब उनका मुनीम जी मुनीम जी मुनीम जी की बड़ी तारीफ होने लगी। लोगों ने देखा कि अब मुनीम जी को भी चक्कर मिलो, खुशामद करने लगे, आज मुनीम जी के लिए दावत है, आज मुनीम जी के लिए पार्टी है, आज मुनीम जी को वहाँ तमाशे में ले जाना, मुनीम जी तो इसमें लग गए, अब हिसाब किताब कौन देखे। लोग उड़ाने लगे, जिनमें पावना था उनका आया नहीं, देना उनका बढ़ गया, चोरी होने लगी। अब जब हिसाब है ठीक नहीं तो मालिक को बैलेंस शीट कहाँ से भेजे, बैलेंस शीट जा नहीं, दिक्कत हो गई। तो मालिक ने पूछा उनसे कि भाई क्या बात, इतने दिन हो गया तुमने कलपट नहीं भेजा, अब तुम्हारी बदली करेंगे, सब हिसाब किताब लेकर के आओ, अभी छटपटावे, हिसाब ठीक नहीं, सपने हाथ में रख भी रखा नहीं, देखा नहीं, सारी गड़बड़ कर दी। और उसने लिखा अपने मालिक को कि हमें बहुत दिन हो गए और हम आएंगे, अपना दूसरे आदमी को भेज, उसके हिसाब किताब ठीक। तो वो जाने को तैयार, ये तैयार नहीं, अब तैयार नहीं, इसको भी जाना तो पड़ा ही, हिसाब किताब ठीक नहीं, हिसाब मुकदमा चला, जेल हुई और बदनामी हुई। और वो अपना घर गया आराम के साथ, तारीफ मिली, पद उन्नत हो गया और आनंद रहा, शांति रही। इसी प्रकार से हम जगत में आते हैं ना, ये मालिक का काम करने के लिए आते, हमारा कुछ नहीं है, ये मालिक का फर्म है, हम उसके सेवक हैं। हम कहीं मालिक बन बैठे तो हमारी बेईमानी, और अगर हम काम न करें ईमानदारी के साथ तो हमारी नमक हरामी।
नमक हराम बने नहीं और ईमानदारी से काम करें, अपना माने नहीं और काम करने में चूके नहीं, तो हमेशा तैयार हैं। जब कभी मालिक हमको बुलावे, हिसाब किताब चुप्पी किया हुआ हमारा है, आज कल पर देख लो हमारा ठीक, कई मन फंसा हुआ नहीं, और नहीं तो गीताकार कहते हैं अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेशु पतंति नरकेशु चौ। यहाँ आकर के कहीं पर भी ठीक से काम किया नहीं तो चित्त भ्रांत हो गया, हजारों जगह चित्त लगा हुआ है, मोह के जाल से तमाम जीवन ढक गया है, काम रूप भोग में अत्यंत आसक्ति है, फल क्या होगा, पतंति नरके शुचौ अशुचौ नरके पतंति, जो अशुद्ध नरक हैं बिल्कुल गंदे उनमें गिरना, यहाँ भी उन्हीं में गिरे रहे। जो लोग रात दिन विषयों का चिंतन करते हैं वो रात दिन नरक की आग से दग्ध होते हैं, नियम है ये, कामना की आग जितना जलाती है आदमी को उतना अभाव की आग नहीं जलाती, अभाव हो और अभाव में अगर कामना न हो, अपमान हो और मान की कामना न हो, निंदा हो स्तुति की कामना न हो, अभाव हो और अभाव पूर्ति की कामना न हो, तो अभाव अपमान निंदा दुखी नहीं कर सकते आदमी कुछ नहीं। और यदि कामना है तो बड़ी उसमें मन में जलन होती है, चिंता होती है, तो बस इस चिंता से मुक्त रहें, भगवान का चिंतन करते रहें और निरंतर यहाँ का हिसाब किताब तैयार, न कहीं ममता न कहीं आसक्ति, मन फंसा हुआ है ही नहीं तो नरकों में क्यों जाएंगे फिर, क्योंकि तो भगवान का चिंतन, जब कभी मौत आवेगी मौत हमको देखेगी भगवान का चिंतन करते हुए, भगवान हमारे हृदय में बैठे, हम भगवान के हृदय में बैठे, साधु हृदय मह्यम साधु नाम हृदय तो हम मदन्नते न जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागति। भगवान कहते हैं कि वो जो साधु भक्त हैं वो मेरे हृदय हैं और मैं उनका हृदय हूँ, वे मेरे सिवा किसी को नहीं जानते, मैं उनके सिवा किसी को नहीं जानता, वो मेरे मैं उनका वो मेरे, इस प्रकार भगवान में चित्त लगा हुआ अभी तैयारी। ये जगत का उधेड़ बुन कभी शांत नहीं होगा, कभी आज तक हुआ नहीं है। प्रकृति में जब विक्षोभ होता है, जब शांत प्रकृति उद्विग्न होकर नाचने लगती है तभी तो जगत बनता है। तो इस प्रकृति की जो हलचल है ये अगर मिट जाए तो जगत रहे नहीं, महाप्रलय हो जाए, इसलिए प्रकृति में कभी शांति हो जाएगी ये असंभव बात है। तो प्रकृति के विक्षोभ का नाम ही जगत है, जहाँ प्रकृति स्वाभाविक शांत साम्यावस्था को प्राप्त है वहाँ तो भगवान में सोई हुई है, जहाँ सोई हुई है वहाँ जगत का विकास नहीं है। जहाँ भगवान के संकल्प से प्रकृति गर्भवती होती है, प्रकृति में जब विकार होता है विक्षोभ होता है तो इस जगत की उत्पत्ति होती है, और जब तक क्षोभ रहता है तब तक जगत रहता है। इसलिए कोई चाहे कि हम प्रकृति में प्राकृतिक पदार्थों के द्वारा शांति प्राप्त कर लें और इनकी पूर्ति हमको हो जाए, ये कभी संभव नहीं, न कभी आज तक हुआ, न होगा न हो सकता है, किसी का नहीं हुआ। यहाँ तो जो वस्तु है वो अपूर्ण है और अनित्य है, अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्वमान, ये तो यहाँ का स्वरूप है, इसलिए इसमें हम शांति प्राप्त करके मौत के लिए तैयार रहेंगे, हमारा मन चाह जब होगा तब मरेंगे ये संभव ही नहीं। मौत की तैयारी तो ये है कि इन सब से ममता आसक्ति का संबंध छोड़कर केवल सेवा का संबंध रखे, और अतिथि की बात ही घर में रहे, अतिथि का घर में कोई अधिकार नहीं, घर में मालकी नहीं, पर वो अगर रहता है तो सबसे प्रेम से बोलता है, भाई बहन भी कहता है और बड़ों को पिताजी माताजी भी कहता है, घर वालों को कष्ट न हो ये ख्याल रखता है,
बनती सेवा भी करता है। इस प्रकार हम किसी घर में टिके हुए हों, यूं समझना चाहिए हम यहाँ टिके हैं, ये घर अपना नहीं, मुसाफिर हैं, यात्री हैं, धर्मशाला में टिके हैं। इस प्रकार अपने को टिकने वाला समझ करके किसी वस्तु से, किसी प्राणी से, किसी स्थान से, किसी अवस्था से अपने को बांधे नहीं, ये मेरा और ये मेरा रहे, ये कभी न करे, न मेरा है और न मेरा रहेगा। हजार मेरा मेरा करो, अंत में मेरा छूटना पड़ेगा, छोड़ जाएगा वो। तो जब अंत में छोड़ना है और वो चीज रहेगी, तो अभी से ममता क्यों न छोड़ने, तो दुख छूट जाए। चीज तो रहे, अभी जब तक जीवित है तब तक रहेगी, पर ममता नहीं रहेगी, दुख नहीं रहेगा। तो ममता भगवान से करें, जो कभी छूटने वाले नहीं। संसार से तो बस ममता न करके सेवा करे और समता रखे, जो आ जाए उसमें समता। तुलसी ममता राम कौन, समता सब संसार। संसार में समता रहे और राम में ममता रहे। कार्य करने को जिसके जिम्मे जो काम, उस काम को करे निर्लेप रहकर, मेरा और उसमें आसक्ति न करके। तब चाहे जब मौत आ जाए, उसका कहीं मन तो अटका है ही नहीं, न किसी चीज में अटका, न किसी प्राणी में अटका, बस बोले अब चलना, बोले हाँ तैयार, बिस्तर बांधे तैयार रहे अपना। मौत कब आ जाए कुछ पता नहीं है। हम लोग अभी बोल रहे हैं, बोल रहा हूँ मैं, क्षण भर के बाद मृत्यु हो जाए कोई नहीं जानता। तो अभी बोलने के समय भी तैयार रहना चाहिए, क्षण भर में मृत्यु हो जाए तो हो जाए, अपने कहीं मन अटका वटका नहीं है, सब ठीक। तो दो मन अटके नहीं, मन भटके नहीं, मन शांत स्थिर होकर के भगवान में लगा रहे और जगत के सारे काम भगवान की आज्ञा अनुसार, भगवान की प्रीति के लिए सेवा के भाव से होते रहे। बच्चों का पालन भी करें, घर को भी देखें, ऑफिस का काम भी करें, कमाई का काम भी करें, पर सब कर मांगे एक फल राम चर गति हो। तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि सारे काम करें, सारे देवताओं को भजें, घर का भी काम करें, पर सबका फल एक मांगे, भगवान के चरण में रति हो। और ये फल न हो कि दूसरा फल होता हो, दूसरा कोई इसके विपरीत फल होता हो, तो उस काम ही को छोड़ दे। चहुन सुगति सुमति संपत्ति कछु, रिद्धि सिद्धि विपुल बड़ाई, हेतु रहित अनुराग राम पुद बड़ो अनुदिन अधिकाई। विजय जी कहते हैं कि जहाँ भगवान का प्रेम न हो, इस प्रकार की सदगति, इस प्रकार की सन्मति, इस प्रकार की संपत्ति, इस प्रकार की रिद्धि सिद्धि, इस प्रकार की विपुल बड़ाई मुझे नहीं चाहिए। चहुन सुगति सुमति संपत्ति कछु, रिद्धि सिद्धि विपुल बड़ाई। यही चीज हम चाहते, तो क्या चाहते हो? हेतु रहित अनुराग राम पद बड़ो अनुदिन अधिकाई। बिना हेतु का भगवत चरणों में मेरा अनुराग दिनों दिन बढ़ता रहे, ये चाहते। बस इस प्रकार की कामना करे, इस कामना को लेकर भगवान की सेवा के भाव से काम करे, तो सारे काम हमारे दिन भर के काम, दुकान का काम, ऑफिस का काम, घर का काम, ये सब भगवान की पूजा बन जाएंगे। भगवान सबसे इन सारे कामों से प्रसन्न होंगे और प्रसन्न होकर अपने आप को हमें दे देंगे। अपने आप को देने वाले के भगवान ही कोई नहीं देता, तो भगवान अपने आप को दे डालकर भी कहते हैं कि हमने कुछ दिया नहीं, हम तो ऋणी ही रहे, ये भगवान का स्वभाव है। तुलसी राम स्वभाव सील लकी, जो न भगत उर आई, तो ही जन्म जाए जननी, जड़ तनु तरुणता गवाई। कैसा अच्छा भाव है। वो तो कहते हैं कि तुलसी राम स्वभाव सील लखी, जो न भगत उर आई। तुलसीदास, अगर भगवान राम के इस स्वभाव को, इस शील को देख करके भी तेरे मन में भक्ति नहीं आई, तो ही जन्म जाई जननी जड़, तो तुझको व्यर्थ ही जन्म दे करके माता ने अपने शरीर और तारुण्य का नाश कर दिया। तो ही जन्म जाए, कहते हैं व्यर्थ को, तो ही जन्म जाए जननी जड़, तनु तरुण था गवाई। हम माता को दुख देने के लिए पैदा हुए थे संसार में। सुकर स्वान श्रृगाल सरिस जन, जनमत जगत जननी, दुख लागी।
वो माता को दुख देने के लिए ही सुअर सियार और गधों की भांति हम संसार में पैदा हुए, कुछ किया नहीं। तो करना यही है कि बस अपने मन को भगवान में लगावे, सारी क्रिया भगवान की सेवा के लिए करें और यहाँ पर आसक्ति और ममता से अपने को बांधे नहीं। ममता आसक्ति नहीं छूटे, बिल्कुल मत छोड़ो। सारी ममता सब जगह से निकाल के भगवान में लगा दो, ममता रखो। सारी प्रीति सब जगह से निकाल के भगवान में जोड़ दो, आसक्ति भी रखो, कोई आपत्ति की बात नहीं। कामना भी न मरे तो मत मारो, भगवत प्रेम की भगवत कृपा की कामना करो। अपने दुर्गुणों पर दुर्विचारों पर क्रोध भी करो, कोई आपत्ति नहीं। भगवान के भजन का लोभ करो, ये जितनी दुर्वृत्तियां हैं इन दुर्वृत्तियों को भी भगवान की सेवा में लगा दो। दुर्वृत्तियां रहें पर ये दुर्वृत्तियां फिर सदवृत्तियां बन जाएंगी और ये भगवान की सेवा में सहायक बनकर ये सब साधन बन जाएंगी। आज जो शत्रु हैं ये मित्र हो जाएंगे, तो राम को अपना मान्य सब हो जाएंगे। गर्ल सुधा रिपु करे मिठाई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई, भगवान की कृपा से सब कुछ हो सकता है। उनकी कृपा पर विश्वास करके, उनके शील स्वभाव को देखकर और जीवन का एकमात्र उद्देश्य यही है मानव का, इस बात का निश्चय करके मनुष्य को यहाँ के सुख दुखों को भगवान की लीला समझकर, आशीर्वाद समझकर उनका सहन करे, वर्ण करे, अपनी जान में कोई भी ऐसा काम न करे जो भगवान की मर्जी के प्रतिकूल हो, जो वो न चाहते हों। और प्रत्येक कार्य के द्वारा भगवान की पूजा करे, ममता आसक्ति सारी यहाँ से निकाल करके भगवान में लगाने की चेष्टा करे, तो मौत के लिए तैयार है। हरिओम। सुख बुद्धि होने पर परिश्रम करता है आदमी, पर उसे अच्छा मालूम होता। हम उपनिषद में आया है, बृहदारण्यक में है, कि यदि मनुष्य बीमारी को तप मान ले, बीमारी में मनुष्य यदि तप की भावना कर ले तो उसका